सटीक जानकारी के लिए दैनिक जागृति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार, आपके अपने चैनल दैनिक जागृति पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि मक्का की वैज्ञानिक तकनीकी से उन्नत खेती कैसे करें ताकि इसकी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। किसान भाइयों, मक्का विश्व में उगाई जाने वाली फसल है। मक्का को खरीफ की फसल कहा जाता है, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में इसको रबी के समय भी उगाया जाता है। यदि मक्का की वैज्ञानिक तकनीकी से खेती की जाए तो इसकी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। वो वैज्ञानिक तकनीकी इस प्रकार है। सबसे पहले बात करते हैं मक्का के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। मक्का की खेती विभिन्न प्रकार की जलवायु में की जा सकती है, परंतु उष्ण क्षेत्रों में मक्का की वृद्धि, विकास और उपज अधिक पाई जाती है। यह गर्म ऋतु की फसल है। इसके जमाव के लिए रात और दिन का तापमान ज्यादा होना चाहिए। मक्का की फसल को शुरुआत के दिनों से भूमि में पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। जमाव के लिए 18 से 23 डिग्री सेल्सियस तापमान और वृद्धि व विकास अवस्था में 28 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तम माना गया है। जलवायु के बाद अगला चरण है किसान भाइयों, इसके लिए किस प्रकार की भूमि उपयुक्त रहती है। मक्का की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु मक्का की अच्छी पैदावार और उत्पादन के लिए दोमट और मध्यम से भारी मिट्टी जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवांश और उचित जल निकास का प्रबंधन हो उपयुक्त रहती है। लवणीय तथा क्षारीय भूमिया मक्का की खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहती हैं। अगला विषय है किसान भाइयों, आप किस प्रकार के अंतर्वर्ती फसलें उगा सकते हैं मक्का के साथ। मक्का की विभिन्न अवधि में पकने वाली प्रजातियां उपलब्ध हैं, जिसके कारण मक्का को विभिन्न अंतर्वर्ती फसलीकरण खेती के रूप में आसानी से उगाया जा सकता है। मक्का के कुछ मुख्य अंत फसल पद्धतियां इस प्रकार हैं: मक्का प्लस उड़द, गवार व मूंग, मक्का प्लस सेम, भिंडी, बरबटी व हरा धनिया, मक्का प्लस तिल, सोयाबीन। ये वो फसलें हैं जिनको मक्का के साथ आप उगा सकते हैं। मक्का की फसल में अंतर्वर्ती फसलों को 2:2, 2:4 या फिर 2:6 में लगाया जा सकता है, परंतु 1:1 सबसे उपयुक्त पाया गया है। अंतर्वर्ती फसल के बाद अगला चरण है किसान भाइयों, भूमि की तैयारी किस प्रकार करें आप मक्का की खेती के लिए। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, उसके बाद 2 से 3 जुताई हैरो या देसी हल से करें। मिट्टी के ढेले तोड़ने एवं खेत सीधा रखने हेतु हर जुताई के बाद पट्टा या सुहागा अवश्य ही लगाएं। यदि मिट्टी में नमी कम हो तो पलेवा करके जुताई करनी चाहिए। सिंचित अवस्था में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ बनानी चाहिए, जिससे जल निकासी में आसानी रहती है और फसल भी अच्छी बढ़ती है। अब अगला विषय है किसान भाइयों, उन्नत किस्में। तो किस्मों पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उसके माध्यम से आप किस्मों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपके क्षेत्र की कोई अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है तो आप उसी को महत्वता दीजिए। किस्मों के बाद बात आती है बीज दर की। मक्का फसल के बीज शीघ्रता से अपनी अंकुरण क्षमता खो देते हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि बोने से पूर्व बीज का अंकुरण प्रतिशत जांच कर ले। किसान भाई, बुआई के लिए 8 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। संकर किस्मों के लिए हर साल नया बीज खरीद कर ही किसान भाई प्रयोग करें। बीज की मात्रा के बाद बीज उपचार। फसल को शुरुआती अवस्था में रोगों से बचाने के लिए बीज उपचार बहुत जरूरी है। बीज उपचार पहले फफूंद नाशक से करें, फिर कीटनाशक से व अंत में जैविक टिक्के से करें। हर चरण के बाद बीज सुखा लें। चरण इस प्रकार हैं: सबसे पहले फफूंद नाशक बीज उपचार। बुआई से पूर्व बीज को थायरम या फिर कार्बनडेजन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इन्हें पानी में मिलाकर गीला पेस्ट बनाकर बीज पर लगाएं। अगला है कीटनाशक बीज उपचार। बीज और नए पौधों को रस चूसक एवं मिट्टी में रहने वाले कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक से बीज उपचार जरूरी है। बीज को थायोमेथोक्जाम या फिर इमिडा क्लोरोपीड 1 से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। और अंत में जैविक टिक्के से उपचार इस प्रकार करें: फफूंद नाशक तथा कीटनाशक से उपचार के बाद बीज को एजेक्टोवेक्टर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके और सुखा के बीज की तुरंत बुआई कर देनी चाहिए। बीज उपचार के बाद किसान भाइयों बात आती है बुआई के समय की। मुख्य फसल के लिए बुआई मई के अंत में करें। सर्दकालीन मक्का की बुआई अक्टूबर अंत से नवंबर तक आप कर सकते
सकते हैं। बसंत ऋतु में मक्का की बुआई के लिए सही समय जनवरी के तीसरे सप्ताह से मध्य फरवरी तक रहता है। बुआई में देरी करने से अधिक तापमान तथा कम नमी के कारण बीज कम बनता है। यदि बारिश न होने के कारण बुआई देरी से हो जाए तो फलीदार फसलों को अंतर्वर्ती फसल के रूप में लगाना चाहिए। बुआई के समय के बाद बात आती है बिजाई की दूरी, यानी कि आप कितनी दूर पर बिजाई करें। बीज हाथों द्वारा या सीड ड्रिल से बोया जा सकता है। बीज को 75 सेंटीमीटर दूर कतारों या मेडों पर बोएं। बीज से बीज यानी पौधे से पौधे का अंतर 22 सेंटीमीटर रखें। इस तरह से प्रति एकड़ 21,000 पौधे लगेंगे। अधिक पैदावार के लिए पौधे को 75 सेंटीमीटर की दूरी की कतारों में पौधे से पौधे में 20 सेंटीमीटर का अंतर रखकर बुआई करें। इस तरह से 26,000 पौधे प्रति एकड़ लगेंगे। बीज की गहराई 3-5 सेंटीमीटर किसान भाइयों को रखनी चाहिए। मेड पर बुआई करनी हो तो बीज पूर्व से पश्चिम दिशा में बनी मेडों की दक्षिण ढलान पर बीज बोएं। छिड़काव विधि की जगह बुआई कतारों में करें तो बेहतर रहता है। अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। मक्का की खेती को 30-40 दिन तक खरपतवार मुक्त रखना जरूरी है, जिसके लिए 1-2 निराई गुड़ाई की जरूरत होती है। पहली गुड़ाई बुआई के 25-30 दिन पर व दूसरी 40-45 दिन पर करनी चाहिए। और यदि किसान भाई रासायनिक खरपतवार नियंत्रण चाहते हैं तो बुआई के 2 दिन के अंदर एट्राजिन 50 WP या फिर पेंडीमेथिलीन 30 EC या फिर एलाक्लोरो 50 EC 1 किलोग्राम प्रति एकड़ या फिर फ्लूक्लोरीन 45 EC 900 मिलीलीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव के लिए फ्लैट फैन या फिर फ्लड जेड नोजल का प्रयोग करें। अच्छे परिणाम के लिए एक ही रसायन हर साल आप न छिड़कें। यदि बुआई सूखी जमीन में की हो तो खरपतवार नाशी का छिड़काव पहली बारिश के 48 घंटे के अंदर करना चाहिए। कुछ शस्य क्रियाएं हैं किसान भाइयों, वो इस प्रकार हैं। असिंचित क्षेत्रों में कतारों के बीच काली पोलोथीन या फिर धान या गेहूं के पुलाव या सूखे घास का पुलाव यानी मल्च बिछानी चाहिए। इससे खरपतवार नियंत्रित रहते हैं व सूखे की स्थिति में मिट्टी की नमी संरक्षित रहती है। जहाँ बुआई में डुकी जगह सीधी जमीन पर की गई है वहाँ फसल के घुटने तक होने पर मिट्टी चढ़ाएं। इससे पौधों को सहारा मिलता है, फसल गिरती नहीं है। मक्का की फसल खेत में खड़ा पानी बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। खेत से जल निकासी का सही प्रबंधन करना जरूरी है। अगला विषय है किसान भाइयों पोषक तत्व प्रबंधन, जो इस प्रकार है। जैविक खाद व जैव उर्वरक का यदि किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं तो हर 1-2 साल में मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए। इसके लिए इससे मिट्टी में पोषक तत्वों का पता चलता है, जिससे खाद का सही उपयोग किया जा सकता है। बुआई से 10-15 दिन पहले 6-8 टन प्रति एकड़ गोबर खाद या 3-4 क्विंटल प्रति एकड़ कैचवा खाद डालनी चाहिए। मिट्टी जनित रोगों को रोकने के लिए ट्राइकोडर्मा व सुडोनोनास प्रत्येक 1-2 किलोग्राम प्रति एकड़ 50 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर खेत में बिखेर कर मिट्टी में मिला देना चाहिए। रासायनिक खाद का यदि किसान भाई प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए बुआई से पहले प्रति एकड़ 75 किलोग्राम DAP, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास तथा 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 12-15 किलोग्राम वेंटोनाइट सल्फर डालना चाहिए। बुआई के बाद पहली बार बुआई से 20 दिन बाद 50 किलोग्राम यूरिया, दूसरी बार 35-40 दिनों में 50 किलोग्राम यूरिया डालें, तीसरी बार 50 किलोग्राम यूरिया प्लस 25 किलोग्राम MOP प्रति एकड़ बूटे से निकलते समय डालनी चाहिए। खाद प्रबंधन के बाद किसान भाइयों सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार करें। बसंत यानी जायद की फसल को अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। सही समय पर सिंचाई न करने से पैदावार में भारी कमी आ जाती है। पहली सिंचाई बुआई के 15-20 दिन बाद करें। उसके बाद फसल घुटने तक होने पर नर फूल निकलते समय, भुट्टे बनते वक्त तथा दाना भरते वक्त सिंचाई जरूर करें। फसल को 5-6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई के जरूरी चरण इस प्रकार है। नए पौधे निकलने पर, फसल घुटने तक होने पर, नर फूल निकलने पर व भुट्टा बनते वक्त सिंचाई बेहद जरूरी है। 90% दाना भराई तक सिंचाई आप जरूर करें। और यदि आप सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से पानी देना चाहते हैं तो मक्का की हर 2 कतार के लिए 1 ड्रिप लाइन काफी है। ड्रिप की दूरी 30-40 सेंटीमीटर रखें। पानी के बहाव दर 1-1.5 लीटर प्रति घंटा रखें। मौसम के अनुसार हर दूसरे दिन 3-5 घंटे
घंटे के लिए सुबह के समय ड्रिप चलानी चाहिए किसान भाइयों को। अगला विषय है किसान भाइयों, कीट प्रबंधन। मक्का की फसल को बहुत से कीट नुकसान पहुंचाते हैं, इसके लिए हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उसके माध्यम से आप कीट प्रबंधन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कीट प्रबंधन के बाद है रोग नियंत्रण। रोग नियंत्रण पर भी हम पहले वीडियो बना चुके हैं, उसके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि मक्का की फसल में जो लगने वाले रोग हैं उनका नियंत्रण आप किस प्रकार करें, इस पर विस्तृत जानकारी हम उस वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं। आप दैनिक जागृति चैनल पर आकर वह वीडियो देख सकते हैं। अगला विषय है किसान भाइयों, फसल कटाई। जब भुट्टे को ढकने वाले पत्ते पीले या भूरे होने लगे और दानों की नमी 30% से कम हो जाए तो फसल काट लेनी चाहिए। भुट्टे काटने पर वो दहरा रहता है, उससे पशु चारे के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। फसल कटाई के बाद है प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन। मक्का के भुट्टों को धूप में तब तक सुखाएं जब तक दाना कठोर न हो जाए वह उसमें नमी 12-14% हो जाए। फिर भुट्टों को बोरी में भरकर मंडी ले जा सकते हैं। दानों को भुट्टे से निकालने के लिए ध्यान रखें कि वो इतने सूखे हों कि हाथ या थ्रेसर से घाई करते समय उन्हें नुकसान न हो। और अंत में बात आती है किसान भाइयों, इस वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करने पर आपको अपनी मक्का की फसल से कितना उत्पादन प्राप्त हो सकता है। मक्का की फसल से औसतन पैदावार सामान्य किस्मों से 35-55 क्विंटल और किस्मों से 55-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो थी किसान भाइयों मक्का की खेती आप उन्नत तरीके से किस प्रकार करें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मक्का की खेती या फिर अन्य कृषि से जुड़ी जानकारियों के लिए आप दैनिक जागृति चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट dainikjagriti.com पर आकर भी अच्छे से जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल दैनिक जागृति सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृषि बागवानी और पशुपालन से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए जो कि आपको समय समय पर उपलब्ध होती रहेंगी इसके लिए आप दैनिक जागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में एक और कृषि की नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।